रॉकस्टार में इट्स योर बॉय एज रॉकस्टार हियर और एक और गेम प्ले वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस ये वाला गेम प्ले बहुत ही खास होने वाला है, पूरा देखना आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर सिटी प्लाजो उतरा, मेरे हाथ में थी स्नाइपर और एक बंदा भी मेरे सामने, दो गोली मारी और उस बंदे को मैंने आराम से ठोक दिया। यहाँ पर देखो ये वाले घर में एक बंदा मुझे दिखाई दिया जो कि मेरे ही वाले घर में जा रहा था। तो अब देखो मैंने एनर्जी लोड की इस उम्मीद में कि उस भाई को लग जाएगी, लेकिन भाई उसने क्या ही डोज किया, ऊपर गया वो बंदा और ऊपर उसे एक गन मिल गई। इतनी देर से उसे गन ही नहीं मिली थी, फाइनली उस भाई को भी मैंने ठोक दिया। यहाँ पर एक बंदा और आया सीढ़ियों से और उसे भी मैंने ठोक दिया। सामने की तरफ एक घर में ऊपर से देखो एक बंदा मुझे फायर कर रहा था, उस भाई को भी मैंने आराम से यहाँ पर नॉक कर दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो उस पर पुश करते हैं फटाफट से, जो मैंने बंदा नॉक किया उसे मारता हूँ। तभी मैं ऊपर गया और ऊपर मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा जो मेरा किल था उसे चुरा ले दिया। ये रहा वो बंदा। अब देखो मेरे एमोज खत्म हो गए, मैंने स्नाइपर निकाली और भाई वो ऊपर उतर गया और मैं नीचे आ गया और यहाँ पर देखो मुझे एमोज मिल गई। तो मैंने इसके बाद ये गन रिलोड की, मुझे लगा कि वो बंदा ऊपर ही होगा लेकिन वो ऊपर था ही नहीं। मैंने देखा वो डंडे के पीछे है कि नहीं, भाई वो डंडे के पीछे भी नहीं था। अब ऊपर आया और यहाँ से राइट वाले घर से फायर हो रहा था। विंडो में एक बंदा मुझे दिखाई दिया, उस भाई को मैंने भर दिया और मैंने देखा कि विंडो पे तो ठीक है लेकिन यहाँ पर एक नीचे भी बंदा था। अब जैसे मैंने इसे नोक किया एक बंदा और यहाँ पर आया, मुझे समझ नहीं आया भाई कौन आ गया एकदम से, है ना। तो ये भाई भी मुझे दिखाई दिया पीला पीला सा। तो देखो वो जो बंदा था काला मैन ब्लैक मैन है ना, वही बंदा था जो मेरे हाथ में स्नाइपर थी और मैं उसे शूट नहीं करवाया था। और ये जो विंडो वाला बंदा था जिसे मैंने नोक किया था, अब मेरी एमोज खत्म हो गई तो यहाँ पर मैंने स्किल चलाकर इस भाई को ठोक दिया। यहाँ पर जैसे मैंने इसे ठोका, जो पीला पीला बंदा था जो कि मेरे जो नीचे दिखाई दिया था वो देखो ये रहा, और इस भाई को मैंने कर दिया आराम से इजी पीजी नॉक। नॉक करने के बाद मैंने सब फिनिश भी कर दिया। अब ऊपर आया, ऊपर देखा मैंने एक बंदा वहाँ पर देखो टीपीपी लेकर किसी को मार रहा था, तो उस भाई को भी मैंने स्नाइपर से मार दिया क्योंकि मेरी एआर वाली गन में एमोज ही नहीं थी। तो फटाफट से मैं नीचे गया और जो पीला पीला बंदा था मैंने मारा था उसकी, मैंने यहाँ पर क्रेट लूटी। यहाँ पर आया मेरे को एक बंदा वापस से स्पॉट हुआ और इस भाई को भी मैंने आराम से ठोक दिया। इस भाई को मैंने जैसे ही ठोका और थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, यहाँ पर मुझे क्रेड लूटनी थी उस बंदे की जो कि मैंने डमरू मारा था एक, है ना। तो गाइस यहाँ पर देखो मैंने क्रेड लूटी और मैं स्पोर्ट कर रहा था अब बंदे, और बंदे कहाँ पे, तो मुझे एक मेचा दिखाई दी जो कि देखो मैंने उसे जाने दिया क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है उसे मारने की, बहुत गोलियां खाता यार। अब यहाँ पर मैंने सर्च किया, एक बंदा सड़क पर मुझे नोक पड़ा हुआ दिखाई दिया और वो नोक पड़ा हुआ किल मैंने अपने हाथ में ले लिया, है ना। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया और थोड़ा सा वेट करने के बाद भाई यहाँ पर आई एक क्राफ्ट, उड़ती उड़ती एक क्राफ्ट आई। थोड़ा सा आगे गया और एक और यहाँ पर देखो क्राफ्ट आई, मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया और उसके बाद मुझे लगा यार ये बंदा भाग रहा है ना। तो यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी थी, मैंने सोचा कि भाई गाड़ी उठाता हूँ क्या पता वो बंदा भाग जाए, इसलिए मैंने ये गाड़ी उठाई। और जो वो क्राफ्ट वाले बंदे थे भाई, वो दो क्राफ्ट वाले बंदे थे सोलो सोलो, है ना, अलग अलग थे वो, हैं तो यहाँ पर वो दोनों फाइट ले रहे थे। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को ठोक दिया। अब बचा था एक ही बंदा जो कि पत्थर के पीछे था। अब देखो इसे कैसे मारते हैं, और इस भाई को बड़े ही आराम से भाई टक्कर मार के तुम्हारे भाई ने इजी पीजी ठोक दिया। यहाँ पर इसे ठोकने के बाद अब देखो मैं सर्च कर रहा था बंदे, तो मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा था यहाँ पर। तो मैंने गाड़ी उठाई और सिटी प्लाजा के मैं वापस चक्कर लगाने लगा। अब गाइस जैसे ही मैं इस लोकेशन पे आया, मुझे एक बंदा नीचे और एक बंदा मेचा में ऊपर दिखाई दिया। तो अब देखो मैंने डिसाइड किया कि वो जंपेड़े फटाफट से इस पे उचक के जाऊंगा और भाई तुम्हारा भाई सुपरमैन की तरह मारेगा। और एक बंदा देखो ये बैनर के पास था,
अब देखो इसे कैसे मारा, आराम से मार दिया गाइस इसे, फटाफट से इसे मैंने फिनिश करना चाहा। और यहाँ पर मैंने इस भाई को फिनिश भी कर दिया, तभी वो मैचअप वाला बंदा भी ऊपर आ गया भाई। अब मैं इस बंदे को इग्नोर किया और सामने देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक चल रही थी स्नाइपर भी, तो मैं स्नाइपर वाले बंदे को भी देख रहा था। और वो बंदा भाई जो ये मैचअप वाला बंदा था भाई, पीछे ही पड़ गया यार। मैचअप मुझे बहुत ही ख़राब लगती है गाइस, बहुत ही ख़राब गाड़ी है ये वाली मैचअप वाली, बहुत ही खतरनाक डैमेज देती है। मतलब एक ही सेकंड में तुम्हारी एच पी ऐसे जाएगी भभक के, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। अब वो बंदा जो मैचअप वाला बंदा था भाई, परेशान ही कर दिया यार। गाइस फाइनली उस बंदे ने डिसाइड किया कि वो गाड़ी में से उतर के मुझे मारेगा, और वो बंदा सीढ़ियों पे आ गया था। अब देखो, और फाइनली गाइस इस भाई को मैंने आराम से ठोक दिया। यार कितना टाइम लगा दिया इस बंदे ने, बहुत सारा मैंने पोर्शन काटा। इसके बाद मैंने गाड़ी उठाई और बंदे में स्पोर्ट करने लगा। गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और लाइक भी ज़रूर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, है ना। यहाँ पर आया और एक बंदा देखो मुझे वापस से मैचों में दिखाई दिया। अब देखो गाइस मैंने अच्छा खासा उसे डैमेज दे दिया था, उसकी हो गई थी गाड़ी एकदम ताती लाल हो गई थी, और वो बंदा फटकर ही मर गया। अब इसके बाद मैं इस वाले घर में ऊपर आया, और ऊपर आते भाई एक क्राफ्ट वाला बंदा यहाँ पर आया, देखो ये रहा। तो अब देखो गाइस इसे कैसे मारते हैं, मतलब मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया देखो इसके व्हीकल को, और इसकी व्हीकल मैंने कर दी भाई एकदम लाल। अब उसकी गाड़ी तो फट नहीं थी भाई, उसने ये राइट वाले घर है ना इस पर चले गया वो, है ना। और सामने मुझे एक बंदा उचकता हुआ दिखाई दिया, तो मेरे को लगा कि लेफ्ट वाले को पहले देखते हैं, है ना। तो लेफ्ट वाला बंदा ये रहा देखो गाइस सुनील, इसे मैंने ठोक दिया। अब मुझे तलाश थी उसी बंदे की जिसकी गाड़ी मैंने पहले लाल कर दी थी, और राइट वाले घरों में वो चल गया था। अब गाइस ये रहा देखो वो बंदा जंपर का यूज करके भाई ये टावर पे चले गया। अब गाइस तुम देखो इसे कैसे मारते हैं। फाइनली गाइस इस भाई को मौका नहीं मिला भाई, इस टावर पे जो भी आता है वो फटाक से मरता ही है। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहां पर एक गाड़ी और आई, देखो ये रे बंदे, तो दो बंदे इसमें थे, है ना। और इन दोनों भाइयों को मैंने आराम से इजी बीजी नॉक कर दिया। अब ये दोनों बंदे नॉक हुए तो, और एक बंदा यहां पर देखो इन्हीं के टीम का बंदा यहां पर आ गया। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। अब बूम गाइस इसके साथ ही तुम्हारा भाई विक्ट्री हासिल कर लेता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आज का हमारा लाइक है मैं 200 का, होप कि आप लोग करा दोगे। पहली बार आए हमारे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, जो कि फैलेट रिपोर्ट खेलते हैं।